हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक नई सेपरेट कंपनी बना करके फिर उसमें जीएसटी, मल्टीपल जीएसटी यानी हर एक प्रोडक्ट पर जो जीएसटी रेट निर्धारित किया गया गुड्स के लिए, वो हम हर एक प्रोडक्ट पर लगाकर देखेंगे अलग अलग। तो चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, नई कंपनी बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको सीधा सीधा कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है। फंक्शन बटन F3 प्रेस कीजिएगा और यहां पर ओपन हो जाएगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। यहां से क्रिएट कंपनी पे जाइएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि नई विंडो आ जाएगी। अब यहां पर एक कंपनी बना लेता हूं रितेश के नाम से, रितेश सिंह लिख देता हूं। तो ये हमने कंपनी बना ली है रितेश सिंह के नाम से, ठीक है। अब यहां पर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, मेलिंग नेम सेम रहेगा, यहां पर एड्रेस डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, बस इतना ही आपको लिख देना है। इसी तरीके से आपका जो भी एड्रेस हो वो आप डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा। यहां पर स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा हो जाता है कंपल्सरी, तो ये स्टेट भी मैंने डाल दिया है। एंटर प्रेस करते हुए आ जाते हैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जब भी शुरू होगा तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, 1 अप्रैल डेट पड़ी हुई है। ईयर चाहे जो भी हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे 1 अप्रैल 2021 ही रखना है तो मैं वही रहने देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब सपोज कीजिए यहां पर काम हमारा 2 अप्रैल से शुरू हो रहा हो, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर तो कभी नहीं बदलेगा लेकिन काम हो सकता है हमारा 2 अप्रैल से शुरू हो रहा हो, तो यहां 2 अप्रैल करके इसको एंटर करके एक्सेप्ट कराया हमने, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। लेकिन अब यहां पर समस्या ये है कि हमें जीएसटी और अन्य फीचर्स भी इसमें इनेबल करने हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स में मैंने यस रखा है। ये जो मेंटेन अकाउंट्स अकाउंटिंग फीचर के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट्स को मैंने यस रखा है, और यहां पर इनेबल बिल वाइज एंट्री इसको भी हमने यस रखा है, आप भी इसको यस रख सकते हैं। यहां पर फीचर्स पे डबल क्लिक कर देता हूं, और डबल क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहां जीएसटी को यस कर देना है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने जीएसटी को यस, और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ध्यान रहे कि एससी ऑफ अदर टेरिटरी को आप यस ना करें, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आपका आता है जीएसटीआईएन नंबर, तो जो आपका जीएसटीआईएन नंबर बनता हो वो उसे आप डाल दें कुछ इस तरीके से। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आपको करना होगा यस, ठीक है। और यहां पर चूंकि टैक्सेबल है तो हमें टैक्सेबल ही रखना है, और यहां पर बाय डिफॉल्ट मैं 28% टैक्स रेट सेट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग वो बता देता हूं, ठीक है। सारी सेटिंग आपको ऐसे ही कर लेनी है, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है, ठीक है। यहां पे टीडीएस वाला फीचर ऑन है, टीसीएस वाला फीचर ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं, कर दिया ऑफ। यहां से इसको भी नो कर देंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो रितेश सिंह नाम से एक कंपनी बन गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें अलग अलग टैक्स रेट सेट करना है। उससे भी पहले हम एक काम करेंगे, दोनों में देखेंगे, जैसे कि हम पहले कैश वाला इस्तेमाल करेंगे, परचेजिंग हम डायरेक्टली कैश में करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं कैश में परचेजिंग करने के लिए वी प्रेस करता हूं, और सीधा सीधा कहां आ जाते हैं, परचेज वाउचर में आ जाते हैं। तो ये आ गए परचेज वाउचर में, नेम ऑफ आइटम यहां पे दिख रहा है, अगर आप मोड चेंज कर देंगे तो आपको नेम ऑफ आइटम की जगह डेबिट क्रेडिट नजर आने लगेगा। ये देखिए यहां पर जैसे ही मैं एज वाउचर करता हूं, यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे क्रेडिट ऑप्शन शो होने लगता है। तो आपको भी आइटम इनवॉइस में रहना है, ठीक है, इस मोड में नहीं जाना है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा आइटम इनवॉइस पे क्लिक रखिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो यहां आइटम इनवॉइस नजर आएगा, नेम ऑफ आइटम नजर आएगा। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आता है, एंटर प्रेस करते हैं। यहां पर डेट कैसे चेंज करेंगे, F2 प्रेस करके, ठीक है। तो यहां से प्रेस कर दीजिए F2, और यहां पर डेट है हमारी 2/4। आपको याद है कि हमारा काम 2/4/2021 से शुरू हुआ था, तो यहां 2/4/2021 ही आपको रखना है। अब ये एक प्रॉब्लम आती है जो कॉमन है, जो मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ है उप्स डेट कैन नॉट बी अबव द करेंट पीरियड। अब ये करेंट पीरियड क्या दिया हुआ है, हमको करेंट पीरियड चेक करना है, तो हम सीधा सीधा यहां से बाहर आते हैं और Alt के साथ F2 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करेंगे, Alt और F2। जैसे ही Alt F2 प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको करंट पीरियड नजर आएगी, हमने 2021-22 रखा है लेकिन यहां पर 2020-21 है, तो इसे भी हमें चेंज करना होगा। तो यहां से 1/4/2021 कर देता हूं और एंटर प्रेस करेंगे 31/3/2022 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से 31/3/2022 करके एंटर प्रेस कर लीजिएगा। अब यहां पर आप डेट चेंज कर लीजिए, यहां पर कर दीजिए, चूंकि 2 तारीख है आपको F2 प्रेस करना है, और यहां पे लिख देना है 2/4/2021।
तो F2 प्रेस करने से ये डेट चेंज वाली विंडो आ जाएगी और ये इस तरीके से डेट आपकी चेंज भी हो जाएगी। यहां पर हमें पहली बार में कैश करना है, दूसरी बार में हम पार्टी नेम लेके देखेंगे, दोनों ही पर अलग अलग टैक्सेस यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे आ जाता है कैश, फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर इनका मेलिंग नेम, तो मेलिंग नेम में अगर नाम देना चाहते हैं पार्टी का तो दे सकते हैं, लाइक यहां पे लिख देता हूं मनोज, ठीक है, कुमार, ठीक है, किसी न किसी पार्टी को ही ये जाएगा, तो उस पार्टी का नाम आप यहां पे दे दीजिए, एड्रेस उनका यहां पे दे दीजिए, लाइक मैं यहां पे न्यू कॉलोनी देवरिया दे देता हूं, जैसा कि मैं दे रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, आपको अपना एड्रेस टाइप करना है, मैं अपना एड्रेस टाइप कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आएंगे तो ये हमारे क्या है, ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। ठीक है, तो क्रेडिटर पार्टी है तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको यहां पर डाल देते हैं रेगुलर, क्या डालेंगे, रेगुलर में डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर अब क्रिएट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्रिएट में क्या करना है, आपको एक लेजर क्रिएट करना है परचेज का, तो यहां पे जाइए, यहां पे लिखिए पी यू आर सी एच ए एस ई इस तरीके से, और यहां पे लिख दीजिए अकाउंट, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे पी प्रेस करेंगे तो परचेज अकाउंट आपको नजर आ जाएगा, बस एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको स्टॉक आइटम नहीं दिखेगा क्योंकि स्टॉक आइटम हमने शायद नहीं बनाया, अगर बनाया होगा तो यहां पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम नजर आएगी, जैसे कि मैं यहां आपको प्रेस करके दिखाता हूं, यहां से एंड ऑफ लिस्ट हटा देता हूं और फिर यहां पे टाइप करता हूं कोई भी नाम। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही मैं कोई भी नाम टाइप करता हूं एंटर प्रेस करके, तो यहां आप देखेंगे कि यहां कोई भी नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि नई कंपनी है तो नाम आएगा कैसे। आप यहां से क्रिएट पे जा सकते हैं या अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, तो मैं अल्ट के साथ सी ही प्रेस कर देता हूं और यहां पर कुछ नाम हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं अनिक घी, ठीक है, इस तरीके से जी एच डबल ई, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां पे यूनिट क्या बनेगा, यहां पे यूनिट बनेगा किलो में। ठीक है, तो यहां पे केजी कर देता हूं सिंबल और यहां फॉर्मल नेम कर देता हूं किलो, के आई एल ओ, ठीक है, एंटर प्रेस किया। यहां पे यूकेसी कोड आता है तो यहां पे के जैसे ही प्रेस करेंगे तो किलोग्राम का कोड आ जाएगा, सेलेक्ट कर डालिए, यहां पे थ्री रख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो यहां पर डिफरेंट टैक्स देने के लिए, देखिए उस समय हमने जब टैक्स इनेबल किया था तो क्या सेट किया था, 28%, लेकिन हमें इस पर टैक्स रेट सेट करना है केवल 12%। तो कैसे करेंगे, तो यहां सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल आ रहा है, इसको यस कर दीजिए आप सीधा सीधा। ठीक है, यस कर दिया, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आइए, इसको टैक्सेबल रखिए, टैक्सेबल रखने के बाद क्या करना है, यहां पे 12% दे देना है, बस काम हो गया है। अब ये जब इस पे जीएसटी कैलकुलेट होगी तो केवल 12% के रेट से कैलकुलेट होगी। तो जैसे मान लीजिए 6 किलो घी हम परचेस कर रहे हैं और 1 किलो की कीमत है 850 रुपए, तो यहां लिख देता हूं 850 यानी 850, यहां पे टोटल कॉस्ट आ गई है, देख सकते हैं। अब यहां पर हमें जीएसटी लगाना है, ठीक है, जीएसटी लगाना है, तो यहां पे जीएसटी के लिए लेजर भी क्रिएट करना होगा, तो यहां पे सबसे पहले सीजीएसटी कर लेता हूं, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम लगाएंगे, अभी डिफरेंट स्टेट की भी बात हम करेंगे। यहां पे ये जीएसटी ही है और ये सेंट्रल टैक्स है, ये आ गए, एंटर प्रेस किया, यहां पे नॉर्मल राउंडिंग रख देते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं, तो देखेंगे कि यहां पर टैक्स रेट कैलकुलेट हुआ है। अब ये किस रेट से कैलकुलेट हुआ है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा इंतजार भी करिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं किस रेट पे ये सेट हुआ है। यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस करके एसजीएसटी भी बना देते हैं, तो ये एसजीएसटी भी बना दिया हमने, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां से जीएसटी किया हमने और यहां से कर देते हैं स्टेट टैक्स, और यहां से आते हैं नॉर्मल राउंडिंग, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ये हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं दोनों ही टैक्सेस आपके कैलकुलेट होकर आ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये कितना परसेंट लगा है टैक्स रेट, तो इसके एक्सेप्ट यहां पे आप चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको तो हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां से बाहर आते हैं और दो बार डी प्रेस करके जरा रिजल्ट देखते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, देख सकते हैं, अब यहां पर अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, पी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, अब यहां पर आता है कॉन्फिगर, तो बस आपको कॉन्फिगर पे जाना है। ठीक है, कॉन्फिगर पे जाने के बाद क्या करना है, यहां पर देख सकते हैं शो रेट ऑफ ड्यूटीज फॉर स्टॉक आइटम्स, तो इसको यस कर दीजिए। ठीक है, अब ये दिया हुआ है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, आइटम वाइज जीएसटी डिटेल देखना चाहते हैं तो इसको भी यस कर दीजिए, और यहां पे दिया हुआ है शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, अगर जीएसटी रेट परसेंटेज में करेंगे तो एक ऑफ हो जाएगा इसमें से, ठीक है, एक ही चालू रहेगा, तो यहां पे जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो एक को आपको नो करना होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको ऑफ करता हूं, तो जैसे इसको ऑफ करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका
देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, तो इसको आप यस कर दीजिए, परसेंटेज में जीएसटी रेट ये आपको दिखाएगा। ठीक है, अब यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, अब यहां पर आते हैं और यहां प्रीव्यू देखते हैं। तो जैसे ही आप प्रीव्यू देखेंगे तो यहां प्रीव्यू में आप क्या पाएंगे कि आपका कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, ये आपको यहां पे शो करेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही कैश की, हालांकि इसमें पार्टी का नेम भी हमने दिया है जो कि आपको यहां पर दिखाई पड़ ही रहा होगा, जैसा कि पार्टी का नाम था मनोज कुमार, तो यहां सप्लायर का नाम भी हमने डाल दिया था, भले ही हमने कैश परचेजिंग की है लेकिन सप्लायर का नाम भी डाला है, तो वो भी आपको यहां पे शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो 12% की जीएसटी रही, हम को अगर कोई और जीएसटी लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे, तो यहां से बाहर आ जाता हूं। ठीक है, हम अभी परचेज वाउचर में ही एंट्री पास करते हैं, फिर हम चलेंगे आगे सेल्स वाउचर में। तो यहां पर सप्लायर का कोई और इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। अब सपोज कीजिए डेट कुछ और हो जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं डेट चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं F2 प्रेस करके 1/5/2021। ठीक है, ये डेट हमने कर दिया और यहां पर भी डेट हम चेंज कर देंगे 1/5/2021 कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, बात हम कैश वाले ही करेंगे, कैश ले लिया है हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस करते हुए यहां पर आएंगे और यहां पर हम रेगुलर रख देंगे। ठीक है, रेगुलर रखने के बाद यहां पर अगर जीएसटी आईएन नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे परचेज अकाउंट का लेजर आता है, जैसा कि मैंने बताया ही है कि कैसे ये बनता है। अब यहां पर आते हैं, कोई अदर स्टॉक आइटम बनाते हैं। ठीक है, यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो क्रिएट पे भी जा सकते थे आप। अब यहां पर क्या करता हूं, कोई अलग स्टॉक आइटम बनाता हूं। ठीक है, लाइक मैं यहां पे बना देता हूं बेसन, बेसन ये लिख दिया मैंने, बेसन, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब बेसन जब भी बिकेगा तो किलो में बिकेगा, तो ये किलो लिख देते हैं हम। और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल, ये जो पार्ट है ये एप्लीकेबल ही रहेगा। एंटर प्रेस करके यहां आएंगे सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको वाई प्रेस करके, एंटर प्रेस करके यस कर दीजिए। ठीक है, अब ये केवल एग्जांपल मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। यहां पर आइएगा, टैक्सेबल रखिएगा, टैक्सेबल रखने के बाद क्या करना है, जीएसटी रेट के परसेंटेज को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां 18% कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं 18% कर रहा हूं, तो ये हो गया 18%। ठीक है, अब यहां क्वांटिटी डाल देते हैं 50 किलो, तो 50 यहां पर कर दिया है मैंने, 1 किलो का रेट डाल देते हैं 80 रुपए। ठीक है, तो ये डाल दिया हमने, तो यहां पे ये बेसन हो गया। ठीक है, अब बेसन तो हो गया, इसके बाद फिर दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइक एक तो हमने पहले से बना रखा है अनिक घी, तो उसको ले लेते हैं, तो यहां पे मैं कर देता हूं 5 किलो और। ठीक है, तो यहां पे ये भी आ गया। अब तीसरा कोई लेते हैं, लाइक यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है, तो ये कैरावे हो गया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर किलो है तो यहां किलो में ही रखते हैं इसको, और यहां पर इसको अल्टर कर लेते हैं, अल्टर कर दिया। यहां पे ध्यान देना है आपको कि आपको जीएसटी रेट सेट करना है इस पे, तो ये पूरी डिटेल अच्छे से फिल होनी चाहिए, यहां पर अगर अननोन हो जाएगा तो आपका जीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। तो एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर मैं कर देता हूं 21%। ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और फिर एक बार और एंटर प्रेस कर लिया, यहां पर आ गए। अब मान लीजिए 5 किलो कैरावे की बात कर रहे हैं हम, और यहां पर कीमत क्या है, 450 रुपए किलो। ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटल आ गया। अब यहां पर हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यह आया सीजीएसटी और ये आ गया एसजीएसटी, ये लगा दिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि सब पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट अप्लाइड है। ठीक है, अब यहां से कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देता हूं। ठीक है, आप नरेशन भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने नरेशन नहीं डाला है। अब यहां पर डिस्प्ले में आके चेक करते हैं, तो अभी 1 मई की डेट पड़ी हुई है, तो हमें सिर्फ 1 मई का ही डिटेल दिखाई पड़ रहा है। अगर आप अन्य डिटेल भी देखना चाहते हैं तो यहां से डेट चेंज कर लें। तो यहां से डेट चेंज करने के लिए क्या करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर आपको 1/5 दिखाई पड़ रहा है, इसको बना दीजिए 1/4/2021। ठीक है, ये हमने कर दिया, और एंटर प्रेस करिएगा तो आपको दोनों ही रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे, तो हमें दूसरे नंबर वाला लेना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये आपका जो एंट्री था वही है, और यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, और यहां से प्रीव्यू देखने के लिए आई बटन प्रेस करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको एक एक का परसेंटेज वाइज डिटेल नजर आ रहा है, देख सकते हैं, देखिए परसेंटेज वाइज 18%, 12%, 21% सारा डिटेल यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब यहां से बाहर आ जाते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि अलग अलग जीएसटी रेट कैसे सेट करते हैं। अब बात करते हैं सेल्स की। ठीक है,
सेल्स की बात करते हैं और उससे भी पहले बात कर लेते हैं क्रेडिटर पार्टी की। तो देखिए ये जो पार्टीज हमने ली हैं अब इनमें उधारी की बात नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हमने कैश किया है, तो आप इसमें पेमेंट वाउचर में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहां से आके दिखा देता हूं, ये आ गए हम पेमेंट वाउचर में, यहां से आ जाते हैं F5 प्रेस करके, तो ये प्रेस कर लिया हमने F5। अब देखेंगे तो यहां पर पेमेंट वाउचर में आपको कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि पार्टी तो हमने बनाई नहीं, हमने तो ऑलरेडी कैश पेमेंट कर दिया, तो यहां आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से बाहर आता हूं फिर से। अब हम कहां चलते हैं, अब हम एक नई पार्टी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ये गेटवे ऑफ टैली, टैली के मेन मेन्यू है, और यहां से क्रिएट पे चले जाइए। क्रिएट पे आ गए, अब यहां जैसे ही क्रिएट पे आते हैं तो लेजर क्रिएशन पे आ जाइए। ठीक है, लेजर क्रिएशन, क्योंकि हमें नई पार्टी का लेजर बनाना है, दैट्स वाई यहां पे हम आए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैं क्रिएट कर देता हूं। लाइक यहां पे मैं लिख देता हूं रितेश क्रेडिटर, क्रेडिटर सी से डिनोट कर दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, एक साथ कई सारे लेजर्स उसमें दिखेंगे तो समझने में आपको आसानी होगी। अब यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर की बात कर लेते हैं, तो ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर प्रेस किया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये यस रहेगा, बाकी की सारी चीजें आप चाहे तो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये हमारे क्रेडिटर पार्टी का लेजर एक बन गया। ठीक है, अब हम जब एंट्री पास करेंगे परचेज में तो हम बात करेंगे क्रेडिटर पार्टी की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रेडिटर पार्टी लेने से क्या होता है। यहां सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, अब मान लीजिए कि 2 मई की डेट में ये परचेजिंग हो रही हो, तो यहां से डेट चेंज करेंगे, तो यहां करेंगे 2/5/2021, तो जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो यहां डेट चेंज हो जाएगी। यहां पर भी हमें लिख देना होगा, टाइप कर देना होगा 2 मई 2021। ये आ गए, अब आपको यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर शो हो रहा है, तो ये ले लीजिए। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करते हुए यहां आ जाइए, परचेज अकाउंट का लेजर लगाइए, और अब यहां पर यही सारे स्टॉक आइटम हम इनको परचेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अनिक घी ले लेते हैं, 5 किलो यहां पे डाल देता हूं, कीमत अपने आप आ गई है। फिर यहां पर दूसरा स्टॉक आइटम कैरावे ले लेते हैं, इसको भी 5 किलो ले लेता हूं, कीमत अपने आप आ गई है। फिर तीसरा जो स्टॉक आइटम है उसको ले लेते हैं, लाइक कैरावे भी हो चुका है, अब इसे बेसन ले लेते हैं लाइक। ठीक है, तो ये बेसन ले लिया हमने और इसको भी हम 5 किलो ही ले लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि तीनों चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अब यहां पे जीएसटी लगाते हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। तो ये सीजीएसटी हो गया और एसजीएसटी हो गया, पिछली बार भी यही लगाया था, अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, अब देखिए जब प्रिंट निकालेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ये देखिए ये एक ही दिख रहा है क्योंकि डेट चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूं एक बार, इसमें भी आपको परसेंटेज वाइज जो है टैक्स की डिटेल मिल जाएगी। तो यहां पे देखेंगे तो ये परसेंटेज वाइज आपको टैक्स की डिटेल नजर आ रही है ना। चलिए अब यहां से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के और हमें क्या करना है, एक बार पेमेंट वाउचर को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए पेमेंट वाउचर को चेक करते हैं। तो यहां वाउचर में जाएंगे और फिर सीधा कहां आएंगे, पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में आने के लिए क्या प्रेस करना है, F5, तो F5 प्रेस कर सकते हैं या यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहां पर अकाउंट आ रहा है। ठीक, अगर आप डबल एंट्री मोड को यहां पे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां से आप मोड चेंज कर दीजिए, आप कंट्रोल के साथ H प्रेस कीजिए। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही H प्रेस करते हैं तो आपको डबल एंट्री सिस्टम दिखाई पड़ता है, यहां पे डबल एंट्री लिखी हुई है, यहां पे चले जाइए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहां डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में यही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा और एक नीचे क्रेडिट आपको करना पड़ेगा, ये डेबिट डेबिट दोनों डेबिट दिख रहा है, तो इस कंडीशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि दोनों ही डेबिट आ रहा है, तो आपको वहां से जाके लिखना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट खुद से। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं, देखिए यहां पर इनके पास कितना हमारा पैसा पड़ा हुआ है। देखिए यहां पर ये आएंगे तो देखिए ये जो है 7,954.50 रुपए करना है, चुकाना है इनको। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम जैसे ही पैसे डालेंगे, देखिए 7,954.50 रुपए, यहां पे मैं डाल देता हूं 50 पैसे भी। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये विंडो एक ओपन होती है। अच्छा, ये विंडो कब ओपन होगी, जब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल उसको आप यस रखेंगे तभी ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाएंगे। अब ये अगेंस्ट रेफरेंस क्या है, जो हमने सामान परचेज किया था उधारी में क्रेडिटर पार्टी लगा करके, वो जो सामान है उसी के अगेंस्ट में ये आ रहा है बिल। ठीक है, यानी वही बिल नंबर है ये। ठीक है, ये आ गए, अब यहां पर आएंगे, अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो आपको क्या लगाना है, यहां पे लगाना है आपको
सबसे पहले तो यहां पे आप क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट करके एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर आप लगा दीजिए कैश, तो देखिए कैश माइनस में चला गया कि नहीं, क्योंकि कैश है ही नहीं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कैश को रिसीव कराना होगा। अच्छा मान लीजिए आपने इसी एंट्री को पास कर दिया, यहां पर एंटर प्रेस कर दिया, यहां नेगेटिव कैश का मैसेज भी आया, लेकिन आपने क्या किया, ये एंट्री पास कर दी, तब क्या होगा, तब आपको बैक डेट में या फिर इसी डेट में जाकर के रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करनी होगी। लाइक यहां पर F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं, यहां पे क्रेडिट दिखा रहा है, तो हमें यहां पर कैपिटल अकाउंट का एक लेजर लगाना होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं कैपिटल इस तरीके से, और यहां पे लिखता हूं A/C अकाउंट, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पे कैपिटल अकाउंट कर देता हूं, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस किया। यहां पर चाहे तो आप कैपिटल अकाउंट यानी कि जो मालिक है उनका नाम दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं, आगे बढ़ता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और इसको कराता हूं एक्सेप्ट, तो ये आ गया कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैपिटल जो है हम डाल देते हैं कि इतना कैपिटल हमने कंपनी में लगा रखा है, इतना पैसा हमने कंपनी में लगा रखा है। अब क्रेडिट ऊपर आ रहा है, डेबिट नीचे अपने आप आ गया है, तो यहां डेबिट लिखने की जरूरत ही नहीं, कैश यहां कर देते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब उस एंट्री को देख लेते हैं जो पहले हमने किया था पेमेंट वाउचर में, ठीक है, तो पेमेंट वाली यही एंट्री है, एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको यहां कुछ भी माइनस में नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि हमने कैश जो है रिसीव करा दिया। तो इस तरह से हुई गलती को भी आप सही कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। सेम डेट पे मैंने रिसीव करा दिया, बैक डेट में भी जाके करा सकते हैं, ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब आते हैं सेल्स वाउचर में, ये तो हो गया परचेज का, अब आते हैं सेल्स में। चलिए सेल्स वाउचर के लिए फेड प्रेस कर लेते हैं, ये आ गया सेल्स वाउचर में। जैसे ही सेल्स वाउचर में आएंगे तो यहां पर फिर मैं कैश के बारे में बताता हूं, ये कैश कर देते हैं हम यहां, ठीक है, ये डिटेल आप फिल कर सकते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर रेगुलर कर देते हैं, ये रेगुलर कर दिया हमने, यहां पर जीएसटी आई नंबर डाल सकते हैं आप। यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, सेल्स अकाउंट के ग्रुप में जाएगा, तो ये लगा दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो जो जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी परचेज्ड हैं उन्हीं को हम सेल करने वाले हैं। तो यहां पर अनेक घी है, ठीक है, तो इस 16 किलो अनेक घी अवेलेबल है, तो अगर आप 16 किलो बेच देते हैं, लाइक यहां पे 16 किलो करते हैं 16 kg, तो इसकी कीमत हमें ज्यादा रखनी होगी, लाइक 1100, ताकि हमको प्रॉफिट हो, ठीक है, तो ये 1100 रख दिया हमने, एंटर प्रेस करके नीचे आए। अब दूसरा स्टॉक आइटम हमारे पास क्या था, कैरावे था, कैरावे ले लेते हैं, 10 किलो है, 8 किलो बेच देते हैं, जो भी कीमत हमने रखी थी उससे ज्यादा कीमत पे हम इसको सेल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो थर्ड स्टॉक आइटम था वो बेसन था, तो बेसन हम यहाँ पे 90 रुपए किलो सेल करेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे 10 ही किलो कर देते हैं हम, तो यहाँ पे हम 90 रुपए किलो करेंगे ताकि हमको इस पर कोई प्रॉफिट भी हो। और ये हो गया SGST, ये देखिए ये SGST भी हमने लगा दिया, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप करता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल हुई है ये कैश में हुई है, यानी इसके लिए हमें पैसा रिसीव करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी कैश में है, तो ये जो है कहीं भी शो नहीं करेगा, यानी कि इसका पेमेंट जो है कहीं भी बाकी शो नहीं करेगा। और जैसे ही इसका हम ये देखेंगे, ये देखिए ये रिसिप्ट है इनकी, तो यहां पर आपको पूरा डिटेल शो करेगा कि कितना परसेंट जो है टैक्स किस चीज पे लगा हुआ है। जैसे यहां पे आएंगे तो ये देखिए यहां पे पूरा टैक्स रेट शो कर रहा है, देख सकते हैं, ये टैक्स रेट का डिटेल नीचे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा बाहर आता हूं, बाहर आने के बाद क्या करते हैं, कॉन्फिगर पे चलते हैं एक बार फिर से, तो ये आ गए कॉन्फिगर पर, और यहां पर आप देखेंगे कि सेल्स में हमने इसको ऑन नहीं किया है, जिसके वजह से नीचे तो पूरी डिटेल शो कर रही है लेकिन ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो यहां पे शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, इस ऑप्शन को बस आप यस कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए और अब प्रीव्यू देख लीजिए, तो ये पूरी डिटेल भी आपको इसी में शो हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहां पर साइड में एक और कॉलम बन गया है जिसमें आपको जीएसटी रेट की पूरी डिटेल शो कर रही है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी आपके कि ये कैसे करना है। ओके, यहां से बाहर आता हूं, एक चीज और अब देख लेते हैं, ये तो पुरानी एंट्री रही हमने जो अभी इसके पहले की हमने सेल्स वाली। यहां पे गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, वी प्रेस करते हैं, और यहां पर एक और क्रेडिटर पार्टी तो हम बना ही चुके हैं, डेटर पार्टी बना लेते हैं, तो यहां पर मैं लिखते हैं गौरव डी, ठीक है, ये गौरव डी लिख दिया, डी यानी डेटर, तो यहां सन्ड्री डेटर डालेंगे, तो सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डाल देते हैं, तो ये हो गया सन्ड्री डेटर, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस करते हुए करवा लीजिए इसको एक्सेप्ट।
तो ये संडी डेटर का लेजर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर आता है और यहां पर वो स्टॉक आइटम की बात करेंगे हम। लाइक अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 45 किलो बेसन बचा हुआ है, तो हम यहां बेसन ले लेते हैं, 45 किलो सेल कर देते हैं, रेट यहां पे आ ही गया है, ठीक है। और देखते हैं क्या और हमारे पास बचा हुआ है, कैरावे 2 किलो है, तो यहां पे 2 किलो इसको भी कर देते हैं, बाकी रेट यहां आ गया है। एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं और कोई स्टॉक आइटम है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर अनिक घी नहीं है, तो बस इतना ही रखते हैं हम और यहां पे एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। और यहां पर अब हम क्या करते हैं, ये देखिए यहां पे सीजीएसटी लगाया हमने, कैलकुलेट हो गया। अब हम एसजीएसटी लगा लेते हैं, तो ये एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से, कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका। अब एक बार बाहर आके इसका भी प्रिंट आउट देख लेते हैं, जो हमने अभी अभी एंट्री पास की है, यानी डेटर पार्टी वाली एंट्री। तो ये आ गए और यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का प्रिंट आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपको अलग से जीएसटी रेट का कॉलम दिखेगा जिसमें आपको पूरी डिटेल नजर आएगी। बाकी यहां पर ये देख सकते हैं, ये जो पार्टी है इसका नाम यहां पे आया हुआ है और यहां पर जो है डेटर पार्टी का नाम आया हुआ है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, यानी डेटर यानी बायर पार्टी, समझ में आ रही है बात, जिनको की सामान ये जाएगा। बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, ये आ गए हम बाहर, ठीक, वी प्रेस करेंगे और यहां से आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, F6 प्रेस करके, ठीक है। तो ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में, यहां पे क्रेडिट दिया हुआ है, क्रेडिट किसको करेंगे हम, ये डेटर पार्टी है इसी को हम क्रेडिट करेंगे। कितना बकाया है, 6376.20 रुपए, तो यहां पे 6376 रुपए डाल देते हैं, 20 पैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 20 पैसे के लिए यहां अगेंस्ट रेफरेंस वाला आ जाएगा विंडो, ये देखिए एडवांस दिया हुआ है, अगेंस्ट रेफरेंस दिया हुआ है, न्यू रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आप नई एंट्री पास कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस देंगे, ठीक है। एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस में डालेंगे, बाकी अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि उस बिल के अगेंस्ट में आप जो है पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस कर दिया हमने और ये जो है कैश में रिसीव कर रहे हैं, अगर आप बैंक खाते से कर रहे हो तो बैंक खाते का लेजर लगा सकते हैं और यहां पे नरेशन आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से रिसीव हो गया। अब दोबारा से जब इस पार्टी का लेजर आप यहां पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ 20 पैसे दिखाई पड़ेंगे, तो यहां 0.20 आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे 0.20 पैसे ये भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये ले लिया और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब ये 0 हो जाएगा जब यहाँ पे दोबारा से आप इसका लेजर लगाएंगे, तो देखिए ये 0 दिखा रहा है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।